हाँ तो हमारा जो डिस्कशंस हो रहा था कि आपको ऑप्शंस सीखना है, आपको ऑप्शंस डेफिनेटली सीखना है, लेकिन ऑप्शन इज ए डेरिवेटिव प्रोडक्ट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट मींस इट्स डिराइव फ्रॉम समथिंग, और एक्चुअली इसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, इट्स ए डिराइव्ड वन, डिराइव फ्रॉम द इक्विटी और द शेयर। सपोज रिलायंस, रिलायंस का एक्चुअल शेयर होता है, उसके अगेंस्ट में कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है फ्यूचर्स, एंड फ्यूचर्स के बेसिस पे ऑप्शंस डिराइव किया जाता है। उसमें क्या होता है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट का आप एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो भी बोलो, दैट इज द लिवरेज। यानी एक 10 लाख का माल आप 1 लाख में खरीद सकते हो या बेच सकते हो। तो इन सच केस जब प्रॉफिट होता है तो मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट होता है, और जब लॉसेस होते हैं तो मल्टीपल टाइम्स लॉसेस होते हैं। सो मेरे हिसाब से आपको पहले कैश मार्केट में प्राइस एक्शन को और ट्रेडिंग जो गेम है उस गेम को खेलना है, कोई 5 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर्स, ताकि आपका जब लॉस हो 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया का लॉसेस हो, और जब प्रॉफिट हो तो आपका 200 रुपया से 500 रुपये के बीच में हो। एक बार आपने गेम को समझ लिया, इस गेम को कैसे खेलते हैं, उसके बाद आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में जाओ, आप फ्यूचर्स में खेलो, आप ऑप्शंस में खेलो। ऑप्शंस में भी दो टाइप का होता है, एक है बाइंग ऑप्शंस, दूसरा वाला है सेलिंग ऑप्शंस। बाइंग ऑप्शंस एंड सेलिंग ऑप्शंस में भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि बाइंग ऑप्शंस, ऑप्शन आप बाई कॉल बाई करो या पुट बाई करो, उसमें आपको वॉलिटिलिटी चाहिए, मोमेंटम चाहिए। जब मोमेंटम होगा तभी जाके आपको प्राइस, 10 का माल 40 रुपया मिलेगा, यानी 1:2, 1:3, 1:4 आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए मेन क्राइटेरिया है मोमेंटम। और उसका ठीक उल्टा है ऑप्शन राइटिंग। ऑप्शन राइटिंग में ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं चाहिए, आपको एक रेंज के अंदर में उसको खेलने देना है, तभी जाके आपको उसमें प्रॉफिट मिलते हैं। मेन गेम है थीटा डीके। थीटा डीके बोले तो टाइम का वैल्यू। टाइम का वैल्यू इज ऑलवेज विथ द सेलर्स, नॉट द बायर्स। सो ऑप्शन बाइंग खेलना है तो आपको मोमेंटम लेना है, वायर एज ऑप्शन सेलिंग करना है तो आपको मोमेंटम से बचना है ताकि मेजर लॉसेस ना हो। वायर एज आपका ऑप्शन राइटिंग में आपको कम मिलता है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मनी, अर्निंग मनी इज मोर। और ऑप्शन बाइंग में आपको नंबर ऑफ टाइम्स जो पैसा मिलना है, कम नंबर ऑफ टाइम्स मिलते हैं, लेकिन जब मिलता है छप्पर फाड़ के मिलता है। व्हाट आई वांट टू मीन, दोनों का गेम प्लान टोटली अलग है। उस गेम को जानने के लिए आपको पहले कैश मार्केट में प्राइस को अंडरस्टैंड करना, प्राइस के अगेंस्ट में कैसे ट्रेड लिया जाता है, मूवमेंट कैसे होते हैं, उसके ऊपर आपको पहले जानकारी ले लीजिए। 3 महीना, 6 महीना आप कैश में ट्रेड कीजिए। जब आपका कैश ट्रेडिंग में, इक्विटी ट्रेडिंग में, कैश मार्केट में ट्रेडिंग में, चाहे वो इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, जब आपका ब्रेक इवन से ज्यादा रहता है आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग और आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग, ब्रेक इवन से ज्यादा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को कॉम्बाइन करने के बाद आपका अकाउंट में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट रहता है, इन सच केस यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पल्स ऑफ द मार्केट, प्राइस कैसे बिहेव होता है, बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है, कब बाई करना है, कब बाई नहीं करना है, कब बेचना है, कब बाय नहीं बेचना है, स्टॉप लॉसेस कितना होना चाहिए, इतना सब अगर केयरफुली आप समझ में नहीं आएगा तो आपका जो कैपिटल है उसको ब्लो आउट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चाहे वो 5 लाख का कैपिटल हो, चाहे वो 25 लाख का कैपिटल हो, या 1 करोड़ का हो, या 50 करोड़ का हो, उसको उड़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। दैट इज वाई पहले आप 100 रुपया, 200 रुपये का गेम को समझो, ताकि बाई चांस वाइल लर्निंग आपको अगर लॉसेस होता है तो उस लॉसेस को आप इजीली झेल सकते हैं।
रात का जो नींद होगा चैन का नींद आएगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप आराम से फ्रेश नींद के बाद एक नया सवेरे के साथ, नया माइंडसेट के साथ मार्केट को देख सकते हैं। एक बार बढ़िया हो गया, अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया, तब आप डेरिवेटिव में फ्यूचर्स करो, ऑप्शंस करो, बाइंग करो, सेलिंग करो, आपका इच्छा है। तो लास्ट टाइम हमने वो आरएसआई के ऊपर डिस्कशंस किया था, वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ मैं सर्टेन वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, आरएसआई कैसे क्या है, कैसे ट्रेड लिया जाता है, आरएसआई 14 क्या है, 3070 रेंज क्या है, 4060 रेंज क्या है, आरएसआई 3 क्या है, आरएसआई 3 का 8020 क्या है, उसमें ट्रेड कैसे लिए जाते हैं, स्टॉप लॉसेस कैसा होगा, टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, ऑल दीज थिंग्स मैं यहाँ पे एक वीडियो, एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। आई विल पब्लिश इट इन द यूट्यूब चैनल, आप उसको गो थ्रू करो। गो थ्रू करने के बाद जहां जहां आपका डाउट आएगा, जहां जहां आपको और फर्दर क्लेरिफिकेशन चाहिए, वी विल डिस्कस दोज सेशंस, ताकि हमारा जो लर्निंग कर्व हो काफी फास्ट हो जाए रेदर देन स्लो। इतना तक क्लियर है? यस आज हम एक प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे रेदर देन डिस्कसिंग द आरएसआई, एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये काफी पॉपुलर पैटर्न्स है, मार्केट में लोग डिफरेंट वे में लेते हैं, तो हम भी वहां पे थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। एम पैटर्न का मतलब प्राइस ऐसा करके एक एम बनाएगा, डब्ल्यू पैटर्न का मतलब मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, देयर बाय मेकिंग ए डब्ल्यू पैटर्न। ये डब्ल्यू पैटर्न के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसको ट्रेड कैसे लिया जाता है, उसके ऊपर हम आज डिस्कशंस करेंगे, सो दैट आप सब्सिक्वेंटली मार्केट में थोड़ा उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न के लिए पहले आपका एक ट्रेंड चाहिए। एम के लिए ट्रेंड, एक ट्रेंड इज नीडेड, और एम पैटर्न यू नीड एन अप ट्रेंड, और डब्ल्यू पैटर्न यू नीड ए डाउन ट्रेंड। ये बेसिक क्राइटेरिया है, यानी आप ढूंढ रहे हो एक अप ट्रेंड, यानी कंटिन्यूअसली ये हायर हाई हायर लो जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक आप एम पैटर्न देख रहे हो फॉर सेलिंग। मार्केट प्रीवियसली क्या है, यहाँ पे अप ट्रेंड में, मार्केट इन अप ट्रेंड एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, इट्स कॉल्ड काउंटर ट्रेंड, काउंटर ट्रेंड ट्रेंड, काउंटर ट्रेंड ट्रेड। काउंटर ट्रेंड पहला है ट्रेंड ट्रेड, यानी जिस डायरेक्शन में बाजार जा रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना। काउंटर ट्रेंड में जिस डायरेक्शन में बाजार जा रहा है उसके अगेंस्ट में आपको ट्रेड लेना। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्राइस इस लेवल से इस लेवल तक एक अप ट्रेंड बना है, जहां पे क्लियर कट हायर है, हायर लो बना रहा है, उस वहां पे लेके वहीं पे आप सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। इट्स ए रिस्की प्रपोजिशन, रिस्की प्रपोजिशन इसीलिए है क्योंकि आप अगेंस्ट में जा रहे हैं। सिमिलरली आपका जो डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड के बाद एक आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, यानी मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड एंड यू आर ट्राइंग टू राइड अगेंस्ट द ट्रेंड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड काउंटर ट्रेंड। सो डब्ल्यू एंड एम पैटर्न आर काउंटर ट्रेंड, थोड़ा सा रिस्की है
लेकिन सर्टेन कंडीशंस के साथ आप अगर ट्रेड लेते हो तो आपको बहुत बढ़िया एक सेटअप मिल सकता है। पहले एक थोड़ा सा ये डब्ल्यू एंड कैसे हो सकते हैं, एंड एम कैसे होते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू देखिए, इसका आपका ये लेग है ए, ए पॉइंट है, और इसका पॉइंट है बी, बीच में एक पॉइंट है, ये है सी। ये ए और बी का लोकेशंस डिफरेंट टाइप का हो सकता है। कहने का मतलब कभी ए एंड बी एक ही जगह पे हो सकते हैं, कभी ए नीचे हो सकता है बी ऊपर हो सकता है, कभी ए ऊपर हो सकता है बी नीचे हो सकता है। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ पोजिशंस इन कंपेरिजन, मीन्स बी का पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू ए हो सकता है। सभी केसेस में दीज आर डब्ल्यू पैटर्न्स। सिमिलरली एम के टाइप में भी आपका ये पहला वाला ए, देन दूसरा वाला बी, बीच में है सी। आपका यहाँ पे है ए, ये स्विंग है बी, और मिडिल में जो है ये है सी। बी का लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू ए, कभी बी ए के ऊपर हो सकता है, कभी बी ए के बराबर हो सकता है, कभी बी ए के बहुत नीचे हो सकता है। दिस इज अबाउट एम पैटर्न्स। यहां तक क्लियर है आपका? क्लियर दादा, क्लियर है। तो अभी हम देखते हैं कुछ पैटर्न्स। आप देखो प्राइस इस लेवल से यहां तक क्या किया, एक डब्ल्यू फॉर्म किया, सॉरी डाउन ट्रेंड में आया, क्या किया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर आया, फिर नीचे गया यहाँ पे आया, फिर समथिंग लाइक दिस, एक मिस गया। बट व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग, अल्टीमेट इज डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के बाद आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, उसको अगर हम बड़ा करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, दिस इज ए क्लासिकल डब्ल्यू। सिमिलरली आप देखो फ्रॉम दिस लेवल, कब का लेवल है आपका, ये है 29 सितंबर से आपका 1 दिसंबर तक, प्राइस क्या किया, एक हायर हाई हायर लो बना रहा है। हायर हाई हायर लो बनाने के कैसे बनाया, देखो ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे, आया नीचे, आया ऊपर गया फिर नीचे, thereby here it is making, started making lower high lower low. आपको याद होगा हमने ट्रेंड रिवर्सल का कंडीशंस डिस्कस किया था। दोबारा आपको देखना है तो वो वीडियो जाके दोबारा यूट्यूब में है मेरे प्लेलिस्ट में, वहां पे जाके एक बार देख लीजिए। तो अभी श्योर sure. फ्रॉम दिस टू दिस एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद कैसे एम पैटर्न आ रहा है इस लेवल पे, आप देखो यहां से ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया नीचे आया, ये हो गया आपका एम, जहां पे हम बोल रहे थे ये हो गया आपका ए लेग, ये हो गया आपका बी लेग, और ये हो गया आपका सी लेग। तो ये जो सी लेग का जो लो पॉइंट है एम के लिए, आप क्या करेंगे, इसमें नेक लाइन आएगा, नेक लाइन के नीचे आपको बेचना है, जब नेक्स्ट टाइम बी के बाद नीचे आएगा तो आपको बेचना है। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, इसका जो सी पॉइंट है, आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालोगे, उसके हाई के ऊपर आपका लॉन्ग का यानी बाई के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, दिस इज कॉल्ड नेक लाइन। और भी देखते हैं,
यहाँ पे देखिए, एक अप ट्रेंड गया, यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये आपका हो गया नेकलाइन, इसके नीचे एम पैटर्न्स। यहाँ पर भी एक छोटा एम आप देख सकते हो, नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आके फिर ऊपर गया, कैन यू सी द डब्ल्यू हियर, यहाँ पे आपका इसके हाई के ऊपर इज द नेक लाइन, ये हो गया आपका एम एंड डब्ल्यू आइडेंटिफिकेशन स्कीम। कभी कभी एम एंड डब्ल्यू जो आपको बड़ा दिखेगा, आपको काफी नंबर ऑफ कैंडल्स बीच में हो सकता है, कभी कभी एक दो कैंडल्स में भी आपको आ सकता है, यानी इन बिटवीन लेग ए एंड लेग बी नंबर ऑफ कैंडल्स में भी कम भी हो सकता है और कभी ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखो, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर भी एक एम है। आप बोलोगे कैसे ढूंढना है, इजिएस्ट वे क्या है, आप लाइन चार्ट में इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे देखो एम पैटर्न आ गया, ये आपका एम का नेक लाइन। सिमिलरली हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया था, ये एम, यहाँ पे एम, ए डब्ल्यू एंड सो ऑन, तो लाइन चार्ट में ज्यादा बेटर दिखता है, लेकिन आपको अल्टीमेटली आंख को फिक्स करना है कैसे देखना है या नहीं देखना है। यहाँ पर भी आप देखोगे प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आके फिर ऊपर जाके नीचे आया, तो यहाँ पे एक एम आया। यहाँ पर भी ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड ये एम का। आप यहाँ पे देखोगे प्राइस यहाँ से लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे देखो ये है आपका डब्ल्यू। पहले लर्न टू आइडेंटिफाई एम एंड डब्ल्यू, यहाँ पे देखो प्राइस का ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ये हो गया आपका डब्ल्यू। दैट बीइंग द केस, आपका ये हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट एम एंड डब्ल्यू। ये हमने निफ्टी में देखा, अभी हम बैंक निफ्टी में देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखो नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, डब्ल्यू। यहाँ पे देखो प्राइस नीचे आके ये हायर आया, हायर लो, फिर नीचे आके ये डब्ल्यू, एम पैटर्न्स। पहले लर्न टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, यहाँ पे देखो डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू के लिए एक डाउन ट्रेंड चाहिए, चाहे वो बहुत लंबा डाउन ट्रेंड हो या इतना डाउन ट्रेंड हो, इतने में भी काफी। आप देखो 41,700 से आपका 38,000 के आसपास आ गया, यानी 3,000 4,000 का एक डाउन मूव था आपका। यहाँ पर भी देखो ये जो एम है, ये एम पैटर्न थोड़ा सा इंक्लाइन, यहाँ पे ये ए लेग है, ये बी लेग है और ये सी लेग है, ए बी सी, तो कभी बी विल बी बिलो ए, कभी बी विल बी एट पार विद ए, कभी बी विल बी अबोव ए, ये हो गया आपका एम एंड डब्ल्यू। अभी इसको छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड कैसे लेते हैं उसको हम देखते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 मिनट में या 15 मिनट में प्राइस को देखने का प्रयास करें। इसमें काफी हॉरिजॉन्टल लाइंस डाला हुआ है, तो मैं दूसरे लाइन पे जाता हूँ, दूसरे चार्ट में, ये फ्यूचर। इसके लिए आपको 15 मिनट में, 5 मिनट में या 3 मिनट में, बेसिकली 3 मिनट में 5 मिनट में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। उसमें क्या करना है, पहले चार बैक टू बैक ग्रीन कैंडल देखना है, मिनिमम 4 ग्रीन कैंडल्स
उसके बाद एक मैं थोड़ा सा कैंडल के हिसाब से ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये चार बैक टू बैक बुलिश कैंडल यानी अप ट्रेंड। उसके बाद एक रेड कैंडल आएगा, एक कैंडल हो सकता है, दो तीन कैंडल हो सकता है। उसके बाद आपका एक ग्रीन कैंडल आएगा, चाहे वो छोटा बॉडी ग्रीन कैंडल हो या बड़ा बॉडी ग्रीन कैंडल हो, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद जैसे इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। इसके लो के नीचे आपको बेचना है, ये जो स्विंग हाई है उसका आपका स्टॉप लॉस डालना है। आपका टारगेट के लिए अगर कैश में ट्रेड करते हो 1:1.5, वन इज टू 1.5, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करते हो FNO में, FNO बोले तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, टारगेट आप कर सकते हो 1:2 का मिनिमम। इसको भी आने वाले दिनों में कुछ सर्टेन कंडीशंस, इसको 1:3, 1:4, 1:5 का हम टारगेट कैसे होते हैं देखिए। ये हो गया बाइंग की, तो हम थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अभी देखो यहाँ पे बैक टू बैक चार कैंडल्स, उसके बाद तीन रेड कैंडल आया, थोड़ा लंबा कर लेते हैं, तीन रेड कैंडल आया, फिर एक ग्रीन कैंडल आया। इस ग्रीन कैंडल के नीचे अगर चला जाता नेक्स्ट एक दो सेशंस में, तो हमारा सेलिंग सिग्नल आता, लेकिन यहाँ पे आया नहीं, वो काफी बाद में आया है, सो वी कैन इग्नोर दैट। यहाँ पे ये देखिए बैक टू बैक चार ग्रीन कैंडल, पहला वाला बहुत बड़ा, देन मीडियम मीडियम, इसके बाद डोजी, बट द कलर इज ग्रीन। उसके बाद एक या एक दो तीन कुछ रेड कैंडल आएगा, उसके बाद ग्रीन कैंडल आएगा। यहाँ पे रेड कैंडल पे पहले रेट पे बेचना नहीं है, यानी बेचो बेचो बेचो, मार्केट बहुत कहां से कहां तक आ गया। अब देखो 44,700 से आपका 45,000, ये 350 पॉइंट का अप मूव हो चुका, बेचो बेचो बेचो, नहीं बेचना है। ये रेड कैंडल आ गया, बेचो, नहीं बेचना। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एम पैटर्न्स के लिए ढूंढना है, टाइम फ्रेम कौन सा है, 3 मिनट या 5 मिनट। तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आया, एक आया, दो आया, ये ग्रीन कैंडल के लो के नीचे आपको सेल करना है, लेकिन आया नहीं तो हमारा सेटअप हुआ नहीं, बना नहीं। फिर बैक टू बैक पांच ग्रीन कैंडल, फिर चार रेड कैंडल, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा ग्रीन कैंडल आया, तो इस ग्रीन कैंडल के नीचे आपका सेलिंग, यानी ये कैंडल पे आपका सेलिंग आ चुका है। आपका यहाँ पे जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई बोले तो दिस वन, ये आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट 1:2। पहले आप कंफर्ट लेने के लिए 1:1 कर सकते हो, लेकिन आप देखो यहाँ पे कितना आ गया, बेसिकली क्या हो रहा है, व्हाई एम पैटर्न वी एक्सपेक्ट इट टू वर्क, प्राइस क्या किया। लाइन चार्ट में क्या हो रहा है, या इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, लाइन चार्ट में क्या कर रहा है, प्राइसेस आर मेकिंग हायर हाई हायर लो, सब्सिक्वेंटली ब्रेक डाउन बिलो दिस इज निगेटिंग द हायर हाई हायर,
जो हमने स्टार्टिंग में लाइन चार्ट के ऊपर हमने किया था, फिर हमने काफी ज्यादा स्ट्रेस दिया था ट्रेंड के ऊपर, ट्रेंड कैसे होते हैं, तो आपका 1:2 हो गया, ये एक आया। अभी यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिनिमम 4 चाहिए, एक अपमूव चाहिए। छोटा टाइम फ्रेम तो छोटा अपमूव, डेली का होगा तो बहुत बड़ा रेंज होगा, जो भी है उस यहाँ पे कहीं पर भी हमें बेचना नहीं है। यहाँ पे रेड कैंडल आया, बेचो बेचो बेचो, नहीं बेचना, हमें एक ग्रीन कैंडल का इंतजार करना है, एटलीस्ट एक। तो जैसे ये ग्रीन कैंडल आया, हमारा यहाँ पे इसके लो के नीचे बेचने के लिए हमारा तैयार है। क्या मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा या नहीं देगा, ये मार्केट के ऊपर है। यहाँ पे आया लेकिन सेलिंग नहीं हुआ, सो दैट मीन्स यहाँ पे एम पैटर्न्स बना दी। फिर तीन ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, उसके बाद जो ग्रीन आया उसके लो के नीचे आपको एम ढूंढना है बेचने के लिए। क्या नीचे गया? नहीं गया। अगर नीचे जाके आपका हाई को तोड़ेगा तो आपका स्टॉप लॉस है ना, आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। फिर ग्रीन कैंडल आया, चार भी ग्रीन कैंडल, देन रेड कैंडल। व्हाट इज रेड कैंडल? रेड कैंडल का मतलब सेलिंग हुआ, मतलब एक रिट्रेसमेंट हुआ नीचे की तरफ, लेकिन इन बिटवीन कोई ग्रीन कैंडल नहीं, ये ग्रीन कैंडल है। इसके लो के नीचे हम एम पैटर्न तो ढूंढेंगे, आया क्या? नहीं आया। फिर ऊपर चला गया, फिर दो रेड कैंडल आने के बाद एक ग्रीन कैंडल आया। इस ग्रीन कैंडल जैसे कंप्लीट हुआ, इसके लो के नीचे हमारा सेलिंग का रेडी है, लेकिन मार्केट आया नहीं। जब इसको जाना है ना, मैं 70-80% केसेस में आपको ये होगा नहीं, 30-20-30% केसेस में आपका स्टॉप करके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपका बना नहीं। फिर यहाँ पे आपका बना, ये वाला नहीं, ये रेड के नीचे आपका बना नहीं। बना तो बना, कहाँ पे बना? यहाँ पे। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इंतजार कर रहे हो आपके हिसाब से ट्रेड को आने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज रिमेम्बर, ट्रेडिंग इज लाइक फिशिंग। जैसे हम मछली पकड़ते हैं, तो फिशिंग हुक, फिशिंग रॉड एंड फिशिंग हुक के साथ, फिशिंग हुक में कुछ चारा डालते हैं, उसके बाद चाहे वो नदी हो या तालाब हो या लेक, जहां पे हम मछली पकड़ना है तो वहां पे जाके हम फिशिंग रॉड को नीचे पानी में डालते हैं, एंड वेटिंग फॉर फिश टू कम एंड गेट कैच होल्ड ऑफ दैट हुक। हुक में आके अटकने के लिए हमें इंतजार करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिश को हम अटकने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कहाँ पे जाके अटका? यहाँ से यहाँ जाके अटका। सो आपको यहाँ पे इंतजार करना है, एंड ऑल्सो ये इंतजार के बाद कोई गारंटी नहीं है आपको कि ये देगा, प्रॉफिट देगा, लेकिन आपको पता है मेरे पास इतना छोटा सा एक स्टॉप लॉस, यानी आई वांट टू गिव लेस फॉर लॉस टू द मार्केट एंड टेक मोर मनी फ्रॉम द मार्केट। आप बोलोगे सर यहां से यहां तक आ चुका है तो हम लॉन्ग के लिए क्यों नहीं ढूंढ रहे, देयर मे बी ए क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, हम यहाँ पे काउंटर ट्रेंड ढूंढ रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न इज ए काउंटर ट्रेंड, नॉट ए कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन ट्रेंड का हम फिर आएंगे, कैसे कंटिन्यूएशन ट्रेंड में आपको लॉन्ग लेना है उसको बारे में भी हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे। तो यहाँ पे हम एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न देख रहे हैं, इसलिए हम रिवर्सल ट्रेंड देख रहे हैं। इसीलिए मार्केट इस लेवल से 44,300 से आपका 45,200 हजार पॉइंट से ऊपर आ चुका है, फिर भी हमने एक भी ट्रेड नहीं लिया। नॉट टेकिंग ए ट्रेड इज गुड, क्योंकि लॉस हुआ नहीं। जबरदस्ती हम ये रेड देख के सेल मार देते, ये रेड देख के सेल मार देते, यहाँ पे रेड देख देख के सेल मार देते, लॉसेस होता, क्योंकि सिस्टम तो नहीं दे रहा। सिस्टम देगा, उसके बाद हम सेल लेंगे, शॉर्ट करेंगे, एंड उसके बाद आइदर प्रॉफिट मिलेगा या लॉसेस मिलेगा।
लॉस कितना होगा हमें पता है, इसके इससे ज्यादा हम हमारा लॉस नहीं देंगे मार्केट। प्रॉफिट कितना आएगा एट फर्स्ट 1:1.5, 1:2। सब्सिक्वेंटली जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे आप धीरे धीरे इसको कैरी कर सकते, लेकिन वो माइंडसेट का गेम। जब खाते में आप 5,000 देखोगे, 5,000 का 10,000 देखोगे, 10,000 का 50,000 देखोगे, 50,000 का 1 लाख देखोगे, 1 लाख का 5 लाख देखोगे, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। फिर 5 लाख वाला फिर 2 लाख हो जाएगा, अरे यार 3 लाख मार्केट ने ले लिया, मेरे को पहले ले लेना चाहिए था। ऑल दिस कम्स अंडर साइकोलॉजी पर, वो डिफरेंटली विल एंड। तो इसका भी गेम अलग है, एक तो ट्रेड लेना वन गेम है और ट्रेड को कंटिन्यू करना अनदर बॉल। ये हो गया आपका सेलिंग के लिए एम पैटर्न। सिमिलरली आपका बाइंग के लिए क्या है, आपको ढूंढना है बैक टू बैक 4 रेड कैंडल। मिनिमम 4, उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल चाहिए, लंबा होगा या बड़ा होगा जैसा भी होगा होगा, ये ग्रीन कैंडल। उसके बाद ग्रीन के बाद आपका फर्स्ट ग्रीन पे यानी फर्स्ट पुल बैक पे हमें बाई नहीं करना। व्हाट इज दिस, मार्केट वाज कमिंग डाउन, उसके बाद यहाँ पे पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक पे हमें बाई नहीं करना, हमें इंतजार करना है एक रेड कैंडल, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद इस रेड कैंडल के हाई को जब तोड़ेगा ग्रीन कैंडल से, दिस इज आवर बाई सिग्नल। आप बोलोगे दादा ये तो उल्टा है, देखने में थोड़ा सा अलग लगेगा, इसको देखने में अच्छा लगेगा, इसको देखने में अलग लगेगा। इसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, ये जगह पे आप अगर राइट क्लिक करोगे इन्वर्टेड स्केल, इसको उल्टा दो, वही हो गया। देखो एम वाला डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू वाला एम हो गया। कहने का मतलब आपको अगर एम देखने में आसानी है, ये वाला देखने में आसानी है, लेकिन डब्ल्यू में थोड़ा सा दिक्कतें आती है, तो आप इसको इन्वर्ट करोगे तो उल्टा हो जाएगा, या बीच बीच में आप फ्लिप करके देख सकते हो कैसा है या कैसा नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड। तो अल्टीमेटली क्या है, 4 रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, उसमें बाई नहीं करना है, फिर एक रेड कैंडल आएगा उसके हाई के ऊपर बाई करना। लेट अस कम सर्टेन थिंग्स, देखते हैं। ये थोड़ा सा 5 मिनट में ले लेते हैं। मैं यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं बनाया, नहीं तो पीपीटी में अगर स्क्रीनशॉट बना के मैं आपको प्रेजेंट करता तो इट वुड हैव बीन नाइस, लेकिन वन नाइस जनरली देखते हैं, मैं ऑन द स्पॉट डिसाइड करता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। जो भी हो यहाँ पे देखो रेड कैंडल बैक टू बैक यहाँ पे आया, एक बीच में वो था ये आया, फिर ग्रीन कैंडल, ये पहला ग्रीन पे बाई नहीं करना, फिर एक रेड कैंडल आने देना इसके हाई के ऊपर, बाइंग का आपका अपॉर्चुनिटी। इसी सेटअप को आपको पक्का करना है, उसके बाद RSI 3 के साथ हम जाएंगे तो आपको और भी इजी आ जाएगा देखने, मार्केट को अटेंड करने। यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद पहले जब ग्रीन आया हमें इंतजार रहेगा, सॉरी रेड आया पहले, उसके बाद हमें इंतजार रहेगा ग्रीन का, इसके लो के नीचे बेचना है, लेकिन ये भाग गया ऊपर, वो नहीं बेचना है तो नहीं बेचना है। फिर ऊपर जाके रेड आया, रेड के बाद एक ग्रीन आया, इसके लो के नीचे हमें ढूंढना है, आया नहीं भाग गया। फिर रेड आया, रेड के बाद ग्रीन आया, ये ग्रीन के लो के नीचे हमें सेल कर, एंड सब्सिक्वेंटली आया है। अभी यहाँ पे देखो नीचे आया प्राइस, यहाँ पे क्या आया आप देखो, रेड ग्रीन, पहले ग्रीन पे बाई नहीं करना है, हमें इंतजार करना है एक रेड का, नेक्स्ट एक रेड का, उसके बाद इस रेट के हाई के ऊपर हमें बाई करना है, एंड स्टॉप लॉस आपका इसके लो के नीचे। इसमें क्या होता है, आपका जो मार्केट को आप लॉस देने के लिए जो तैयार हो
छोटा, आपको वेल डिफाइंड है, मैं इसके इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं देने वाला, एंड अकॉर्डिंगली आप पोजिशन साइजिंग करूंगी। 5 शेयर लेना है, 10 शेयर लेना है, 5 लॉट लेना है, 10 लॉट लेना है, 50 लॉट, 100 लॉट, एनीथिंग। एक बार आपको मास्टरी आ गया, देयर आफ्टर ओनली वो जो 10 के जगह पे 100, 100 के जगह पे 1000, लेकिन पहले आपको सिस्टम को समझना है। दिस इज योर डब्ल्यू। अभी हम आते हैं कल का नहीं, थर्सडे का एक ट्रेन। बैंक निफ्टी का एक थर्सडे का ट्रेड था, ये कल का था, ये थर्सडे का था। मार्केट यहां से ऊपर गया, देखो क्या किया, कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो बनाया, यहाँ पे जाके कितना अप मूव देके क्लोज दिया, 44,000 से क्लोज दिया 44,500, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जाके क्लोज दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी थर्सडे को गैप अप ओपनिंग, ओपनिंग के बाद ये तीन गया, तीन ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल। रेड कैंडल के बाद हमें क्या इंतजार है, एक ग्रीन कैंडल का जिसके लो के नीचे हमें बेचना है। जो आया नहीं है आपका, उसके बाद फिर बूम बूम करके ऊपर चला गया, जाने के बाद बैक टू बैक तीन ग्रीन के रेड कैंडल आया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आया। सो ये हमारा टारगेट है, इसके लो के नीचे बेचना है, ये जो स्विंग आए हैं इसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस डालना है, इतना सा हमारा स्टॉप लॉस, N1:2 मिनिमम। ये मैंने ट्रेड लिया था, छोटा क्वांटिटी में लिया था बट लिया था। तो यहाँ पे देखो ये लाइव मार्केट का सिनेरियो है, यहाँ पे आप 1:2 मिलेगा, पहले पहले 1:1.5 या 1:2 में आप क्लोज कर दो, 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 50 ट्रेड आप वैसा कर, एक बार कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट विल कम टू दैट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिला होगा, हालांकि इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैं अगर बोलूंगा कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था तो गलत। देखो बैक टू बैक 4 कैंडल, 4 कैंडल का मतलब क्या है, कभी कभी मैं 4 की जगह में 3 में भी देख रहा हूँ, क्यों, अल्टीमेटली एक डाउन ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड के बाद पहले ग्रीन पे बाई नहीं करना है, हमें इंतजार करना है, क्योंकि ये ग्रीन के बाद नमो बना के नीचे भी आ सकते। यहाँ पे क्या था, देखो पहले रेड पे सेल नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, फिर मामू बना के ऊपर जा सकते, जो मामू बनाया, फिर बैक टू बैक 4 रेड कैंडल आया, यहाँ पे बेचना नहीं, क्यों, कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना, नहीं तो मामू बन जाएगा और मार्केट ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे देखो नीचे आया, पहले ग्रीन कैंडल पे बाई नहीं करना है, एज पर द सिस्टम हमें एक रेड कैंडल का ढूंढ, ये आ गया रेड कैंडल, ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाई करना है, एंड स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे, एंड 1:2 आपका डेफिनेटली आया हो। इसी प्राइस एक्शन के बेसिस पे, ये तो हो गया फ्यूचर का है, बैंक निफ्टी फ्यूचर है, इसी प्राइस एक्शन को आप अगर मास्टरी कर लोगे तो इसी सेटअप के ऊपर आप ऑप्शन में बाई कर सकते, कॉल को बाई